हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्रिएटिंग लिस्ट। हमने बताया लिस्ट फोर टाइप्स की लिस्ट होती है। फर्स्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट, सेकंड होती है ऑर्डर लिस्ट, थर्ड होती है नेस्टेड लिस्ट और फोर्थ होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के बारे में बता चुका, डेफिनेशन आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ऑर्डर लिस्ट इसको क्या बोलते हैं, नंबर लिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर लिस्ट, क्योंकि इसमें सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस वाइज। अगर सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा तो लिस्ट भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अनऑर्डर लिस्ट में कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसमें लोग चेंज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर हमने चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपके जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें अल्फाबेट ऑर्डर से लगे होते हैं, ठीक है। अगर लास्ट में कोई नया बच्चा आता है, जैसे ए नाम से है, वो नीचे लिखना पड़ता है, तो ऑर्डर लिस्ट बिगड़ जाता है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखिए बच्चों। ऑर्डर लिस्ट में इसमें जो टैग होगा, यूज टैग कौन सा होगा? यूज टैग इज ओएल टैग एंड क्लोज भी होगा, ये टैग यूज होगा। और एल आई, जैसे एल आई उसमें भी यूज हुआ था, इसमें भी एल आई यूज होगा, अनऑर्डर लिस्ट में हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको क्या बोलेंगे? लिस्ट आइटम। क्या बोलेंगे? लिस्ट आइटम, ठीक है। तो ये दोनों टैग्स यूज होते हैं, एक ओएल टैग यूज होगा, एक एल आई टैग यूज होगा, ठीक है। हमने बताया था कि अनऑर्डर लिस्ट में केवल एक ही एट्रिब्यूट होता है टैग, उसके अंदर मेनी वैल्यूज होती है, मतलब स्क्वायर, सर्किल, बेस, ठीक है। ये सब क्या उसकी वैल्यूज है, मतलब आपको लिस्ट किस टाइप की रिप्रेजेंट करानी है, स्क्वायर लेके आने हैं, सर्किल लेके आना है, डिस्क लेके आना है, या फिर और कुछ लेके आना, ठीक है। तो ये आपकी ये होगी। जैसे मान लीजिए इसमें हमें क्या करना है, हमें कोई लिस्ट है, मान लीजिए हमने लिखा वन, इसमें लिखा एप्पल, सेकंड है बनाना, थर्ड है मैंगो और फोर्थ है ग्रेप्स, ये फ्रूट्स के नाम। अब ये जो लिस्ट है कैसे क्रिएट होगी, इसको हमें बनाना है। बेसिक टेक्स्ट आपको हमने बताया एचटीएमएल, उसके अंदर हेडिंग, टाइटल, बॉडी, बॉडी के अंदर हम लोग ये लिस्ट क्रिएट करेंगे। हमने बॉडी लिखा, ठीक है, हमने क्या लिखा? ऑर्डर लिस्ट लिखा, ओएल टैग लगाया, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट का सीक्वेंस देख रहे हैं बच्चों आप, 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है आपका, ठीक है। इसी टाइप से हमें बनाना है, ये कैसे आया है उसको हमें दिखाना है एचटीएमएल कोडिंग में। हमने क्या लिखा? ओएल टैग लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा? एल आई लिया, क्या लिखा? एल आई, उसमें ये लिखेंगे एप्पल, ऐसी एल आई, एल आई लिया, फिर क्या लिखेंगे? बनाना, एल आई क्लोज कर दिया, फिर लिखा एल आई, लिखा क्या लिखा? मैंगो, एल आई क्लोज कर दिया, फिर एल आई लिया हमने, यहां पे क्या लिखा? ग्रेप्स, उसके बाद हमने ये जो ओएल टैग ओपन किया था यहाँ क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, और लास्ट में बॉडी क्लोज करेंगे। तो इससे, इस कोडिंग से आपको ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हमने बॉडी यहाँ पे क्या किया? क्लोज कर दिया, ठीक है। बॉडी क्या किया? क्लोज कर दिया। ये चीज समझवाई, मतलब ये चीज आपको, ये जो चीज है वो से यहां तक ओपन और क्लोज, ये इसको क्रिएट करेगी, ये बनेगा आपका,
ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए ये 1 2 3 4 आ रहा है बाय डिफॉल्ट, 1 2 3 ही आएगा, ठीक है, नंबर लिस्ट में, ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट बुलेट्स आएंगे, क्या आएंगे बुलेट्स, जैसे इसमें 1 2 3 आ रहा है, नंबर आ रहे हैं, ऐसे उसमें बुलेट्स हैं। अनऑर्डर लिस्ट को और क्या बोलते हैं, बुलेटेड लिस्ट, हमने बताया था बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंबर आते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या होंगे बेटा एट्रीब्यूट्स, क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं मैं बता देता हूं। एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट होता है आपका, देखिए ए ए ठीक है, ये क्या है यहां पे, ये कैपिटल ए है, सॉरी ये वैल्यू है, देखिए इसमें जो ये वैल्यूज है एट्रीब्यूट जो क्या होंगे, पहला टाइप होगा, क्या होगा टाइप, टाइप एट्रीब्यूट आपको अनऑर्डर लिस्ट में भी दिया था हमने, टाइप टाइप भी था, एट्रीब्यूट क्या था उसमें केवल एक ही एट्रीब्यूट होता है, और इसमें कितने होते हैं दो होते हैं, पहला क्या होता है टाइप, दूसरा होता है स्टार्ट, दो एट्रीब्यूट हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। टाइप में हम लोग जो इसकी वैल्यूज है, वैल्यूज देखिए बेटा वैल्यूज क्या होंगी, फर्स्ट होगी ए, सेकंड होगी स्मॉल ए, ये रोमन नंबर है स्मॉल वाला, फोर होगा क्या, ये होगा रोमन नंबर कैपिटल वाला, ठीक है। तो ये चार हैं आपके, स्मॉल कैपिटल ए, स्मॉल रोमन और कैपिटल रोमन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चेंज करना है, कैपिटल ए करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ देखना इस जगह देखना बच्चों, हमने इसको हटाया, यहाँ क्या लिखा टाइप, क्या लिखा टाइप, ये आपने पहले नोट कर लिया होगा, मैं इसी में ही चेंज कर दूँ, यहाँ क्या लिखा टाइप लिखा हमने, टाइप हमने क्या दिया कैपिटल ए, इसको बंद कर दिया, तो हमें इससे क्या लिस्ट क्रिएट होगी, ए एप्पल, बी बनाना, सी मैंगो और डी ग्रेप्स, तो ऐसे लिस्ट हमारी एबीसीडी कैपिटल से स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से आपको चेंज करना, जैसे हमने लिखना रोमन में, स्मॉल रोमन में हमने क्या लिखा स्मॉल आई लिख दिया, इसमें स्मॉल आई लिख दिया, तो हमारी ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, इस टाइप से ये रोमन नंबर बन जाएगी। इसी तरह आप कैपिटल ले सकते हैं और स्मॉल ले सकते हैं, ये इसके क्या टाइप के वैल्यूज है, टाइप एट्रीब्यूट लगाया हमने, देखिए टाइप लगाया, इसकी वैल्यूज दे रखी है आपको, ठीक है। तो इस ऐसे हम लोग ऐसे इस टाइप की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, जो हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट है उसको कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पे हमने यहां पे मान लीजिए यहां पे देखिए स्टार्ट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, नंबर होगी, क्या होगी नंबर्स, मीन्स अब देखो कैसे यूज करेंगे, हमने यहां पे लिखा टाइप और लिखा ए, ठीक है, हमें एबीसीडी कैपिटल में लिस्ट क्रिएट करनी है, हमने यहां पे कॉमा लगाया लिखा स्टार्ट, और स्टार्ट वैल्यू भी हमने मान लो दिया टू, ठीक है। अब टू का देखिए क्या क्या डिफरेंस है, मतलब ये है कि ये अल्फाबेट ऑर्डर से आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, लेकिन स्टार्ट कहां से करना, टू से, मतलब बी से स्टार्ट होगी, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा बी एप्पल, सी बनाना, डी मैंगो
और ई ग्रेप्स, इस तरह से ये चीज क्रिएट होगी। आपको समझ में आ गया होगा, दो एक्टिविटीज है, टाइप और स्टार्ट। अनऑर्डर लिस्ट में एक एक्टिविटी होता है जिसे बोलते हैं टाइप, इसमें दो एक्टिविटी यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ये हो गया ऑर्डर लिस्ट का आपका। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद है नेस्टेड लिस्ट। अब बच्चों नेस्टेड लिस्ट का कोई टैग नहीं होता है। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, इन सब के टैग यूज होंगे बस, ठीक है, ये होंगे। अब देखिए इसका हम लोग एक सैंपल बताते हैं आपको, आप भी अभी नोटबुक में करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे हमने लिखा वन, यहां लिखा फ्रूट्स, अब आपने यहां पे क्या स्क्वायर लगा दिया, मतलब पहले सिंपल देख लीजिए, हमने लिखा यहां पे एप्पल, मैंगो, बड़ा समझ लिखते हैं, हमने लिखा वन क्या फ्रूट, इसके अंदर एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, ये ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, यहां किया क्या एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है। दूसरा हमने क्रिएट किया यहां पे क्या लिखा वेजिटेबल, यहां लिखा हमने क्या पोटैटो, टोमेटो, कैरेट, ठीक है। इस टाइप से हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं, तो इस टाइप की जो लिस्ट है इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन, देखिए यहां पे ऑर्डर लिस्ट ये लग रही है, इसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट है, मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की है वो एचटीएमएल में कैसे क्रिएट करेंगे इसको देखेंगे। देखिए अब कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं, क्या लिखा ओवल टैग, ये ओवल टैग में है 1 2 3 इज बाय डिफॉल्ट, आपको कुछ लिखना ही है, एट्रीब्यूट यूज करना ही नहीं है। हमने क्या लिखा एल आई, क्या लिखा एप्पल, ठीक है। अब ये एल आई क्लोज नहीं करनी, क्यों, आपको पता है इस लिस्ट के अंदर एक नई लिस्ट है, मतलब इस एप्पल, सॉरी यहां क्या फ्रूट है, फ्रूट्स है, इस फ्रूट्स के अंदर एक न्यू अनऑर्डर लिस्ट, एक लिस्ट है, इसलिए हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, लास्ट में जब ये यहां तक हो जाए तब क्लोज करेंगे। हमने क्या लिखा ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट यू एल लिखा, देखिए यहां पे यू एल स्टार्ट हुआ है, हमने यहां लिखा एल आई, क्या लिखा एप्पल, एल आई क्लोज, एल आई लिखा मैंगो, एल आई क्लोज, एल आई लिखा बनाना किया, एल आई क्लोज, उसके बाद यू एल क्लोज हो जाएगा ये क्लोज, फिर उसके बाद ये जो है एल आई यहां पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरी लिस्ट आ गई आपको, क्या एल आई फ्रूट था, अब क्या वेजिटेबल, इसको क्लोज नहीं करेंगे एल आई क्लोज, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर ये लिस्ट है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखा एल ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, यूएल टैग लगाएंगे
देखिए इसके बाद लिंगुअल टैग, क्योंकि ये लिस्ट क्रिएट करनी है, क्या लिखा एल आई पोटैटो एल आई क्लोज, यहां लिखा एल आई टोमैटो एल आई क्लोज, यहां लिखा एल आई कैरेट एल आई क्लोज, यहां पे ओएल टैग सॉरी यूएल टैग क्लोज हो जाएगा और एल आई क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में ये ओएल टैग क्लोज होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये उस ओएल टैग में ही सारा है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग ये होगी, ठीक है, इसके बाद से वो होगा। ये समझ में आ गया आपको, आप इसमें एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, जो हमने अभी बताया समझाया, इसमें भी कर सकते हो इसमें भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेस्टेड लिस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो आपका बचा है डेफिनेशन लिस्ट वॉच की, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हो बच्चों। थैंक यू।